अपने पैड तो बांधने जानते हैं, लेकिन साथ ही सामने वाली टीम के बल्लेबाज के लेसेस लूज हो जाए उन्हें भी बांधना अच्छे से आता है उनको। देखिए किसी एक को वहां पर ग्लव्स उतारने की जरूरत थी, या तो वो कीपर या तो बैटर। एक स्लिप मौजूद है, यानी झूलती हुई गेंद की उम्मीद अभी भी करते हैं कप्तान सोनू सूद। और स्लिप वहां पर, शायद कीपर को ही पकड़ना चाहिए था कैच। पहली गेंद पर मौका बनाया। ये मुस्कान से बात बनने वाली नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, बिना गेंद की लाइन में आए। देखिए कोई फुट मूवमेंट नहीं थी, ताकत से शॉट को खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और ताकत से बैट घुमाया, तो यही वजह रही कीपर के ग्लव से गेंद निकल गई। थोड़ी सी मुस्कुराहट है, मुस्कान है, 150 का लक्ष्य सोचकर आए हैं। काफी इनिंग्स खेली हैं उन्होंने इस बैट के साथ, आप देख सकते हैं उसकी ब्लेड भी, जो नए आकार आते हैं ना बैट के साथ, ये वैसा बैट है नहीं, संस्करण नया है, बैट पुराना है। लेकिन खेलने का जो तरीका है वो कैसा होगा। फिलहाल वहां पर एक सिंगल भी लेने में सक्षम रहे थे, अब प्रवेश खेलेंगे। बैक ऑफ द हैंड थी इसमें, दो आवाजें भी आई थी, फिंगर उठ चुकी है। पहली सफलता यहां पर बब्बल को। प्रवेश लौटेंगे पवेलियन, थोड़े से नाखुश हैं वो, शायद ये कह रहे थे कि बल्ला नीचे लगाया उसकी साउंड थी, लेकिन थोड़ी सी डिफ्लेक्शन भी नजर आई थी और पीछे भी मुड़ के देखा था उन्होंने। अगर इनको संकेत माना जाए, और स्टंप माइक ऑफ कोर्स एक संकेत भी, प्रवेश यादव लौटेंगे पवेलियन मात्र 5 रन बनाकर। पहला झटका भोजपुरी दबंग्स के लिए 8-1। दिनेश यादव आए हैं भोजपुरी दबंग से, पहला नाम और आखिरी नाम दोनों ही क्रिकेटर्स के नाम है। तो पहला झटका लगा भोजपुरी को, उसे पिछली गेंद पर भी कैच छूटा था। समझा रहे हैं कि गेंद थोड़ा मूव हो रहा है, समय लेकर खेलेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि समय है नहीं, केवल 10 ओवर यानी 60 गेंदों का खेल है। सोनू सूद के नेतृत्व में पंजाब के शेर, मनोज तिवारी के नेतृत्व में भोजपुरी दबंग। शेर और दबंग के बीच ये जद्दोजहद होती हुई। स्लिप को हल्के से पीछे कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी शॉर्ट थर्ड मैन नहीं माने जाएंगे, कुछ 10 यार्ड अंदर है 30 गज के, इसका क्या कारण हो सकता है। मिडऑफ ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद अंदर 19 के साथ फाइन लेग पे गई थी, विकेट के पीछे अच्छा काम किया विकेट कीपर ने, लेकिन मनोज तिवारी अच्छी दौड़ के साथ पहुंच गए थे, और यही वजह है कि देखिए सीधा थ्रो गया था, पूरी तरह सुरक्षित है और काफी अंदर थे। ड्रैग नहीं किया था उन्होंने बल्ले को, और शायद उससे दिक्कत में हो सकते हैं अगर फिर से ऐसा कुछ देखने को मिला। फिर से जोखिम भरे रन जरूर ले रहे, सिंगल्स देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी पंजाब के शेर को। दूसरा ओवर चल रहा है, मात्र 10 रन बने हैं। एक धीमी शुरुआत होगी, 8-3 रिप्ले में हम देख सकते हैं पूरे ताकत से बल्ला घुमाया था। निरहुआ पहुंच गए थे, कामयाब ओवर रहा है अब तक बब्बल के लिए। बहुत हैंड अच्छी कराते हैं, उसमें नियंत्रण पाना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने काफी काफी प्रैक्टिस की है इसकी।
दूसरे ओवर की अभी ये गेंद आनी बाकी है, 5 की औसत से रन बने हैं, जबकि इससे पहले अभी जब टॉस के दौरान मनोज तिवारी बात करते हमारे साथी धर्मेंद्र के साथ, उन्होंने बताया था 150 के आसपास लक्ष्य हमारे दिमाग में रहेगा और पावर प्ले का ये भी इसके बाद एक ओवर और होगा। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि 10 ओवर के 3 ओवर पावर प्ले के रहते हैं। गैप में खेला है गेंद को, पहले रन तेजी से दौड़े हैं, क्या दूसरे के लिए भी जाएंगे? जी हाँ, दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया है, 12 एक विकेट के नुकसान पर।